सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल डीटीएच सॉल्यूशन पर। एक इंडिपेंडेंट का सेट हमारे पास राजकोट से आया फ्री डिश के लिए, अनलॉकिंग के लिए, लेकिन जब उसको चला के देखा गया तो वो डेड निकला। तो पहले उसकी डेड कंडीशन को ओके किया गया, फिर उसमें फ्री डिश का सॉफ्टवेयर अनलॉक किया गया। तो किस तरीके से उस डेड सेटअप बॉक्स को ऑन किया गया, आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि इस तरह का बॉक्स आपके पास भी आ सकता है डेड कंडीशन में। तो आपको कहां कहां पे कितनी वोल्टेज चेक करनी है, किस तरीके से उसको टेस्टिंग करते हुए किस तरीके से उसे ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद फिर उसमें सॉफ्टवेयर किस तरीके से अनलॉक करते हैं, तो यही आज की वीडियो आप सभी भाइयों के लिए है कि जो अनलॉकिंग का काम करते हैं, जो सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग करते हैं, कि मान लिया ये सोच के कि भाई सेट ऑन होगा, लेकिन सेट को पहले चला के देख लें कि ऑन है, डेड है, या क्या दिक्कत उसमें आ रही है, उसके बाद ही उसे अनलॉकिंग की प्रक्रिया को दोहराएं। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं अपनी वर्किंग टेबल पर। तो दोस्तों, ये है वो सेटअप बॉक्स इंडिपेंडेंट का, सभी वायरें मैंने कनेक्ट कर दी हैं। ये फ्री डिश अनलॉकिंग के लिए हमारे पास आया और डेड कंडीशन में निकला। तो पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दी है, पैनल पे पावर की लाइट भी ऑन हो गई है, लेकिन टीवी पे ना कोई लोगो है, ना ही किसी तरह का कोई भी टीवी स्क्रीन पर कोई हलचल इसमें हो रही है। तो आज इसी की ही बात करेंगे और सभी वोल्टेज चेक करते हुए आपको इसका फॉल्ट समझाएंगे। तो मीटर मैं लगा देता हूँ और सभी वोल्टेजों को आपको चेक करके दिखाऊंगा। अब सही दिखाई देगा। सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करें कि आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद ये रेगुलेटर 5 वोल्ट का है तो इस कॉइल पे 5 वोल्ट हमें मिलेंगी, तो 5.3 इसमें आ रही है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद में एक ये रेगुलेटर लगता है तो इसके साथ ये कॉइल लगती है जिसपे 3.3 वोल्टेज हमें मिलता है। इस 3.3 वोल्टेज के साथ ये रेगुलेटर लगता है जो 3 पिन का है, जो कि 1.8 के लिए होता है, इसमें 1.5 आ रही है। चलो आगे चेक कर लेते हैं। एक कॉइल ये लगी है जिसपे 1.2 आती है, तो 1.1, 1.2 इस तरह वोल्टेज में प्राप्त होते हैं। इप्रोम के 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्टेज आएगी और एक नंबर पे भी 3.3 वोल्टेज ही आएगी। ये क्रिस्टल का वोल्टेज है, यहाँ पे इसका भी दोनों तरफ वोल्टेज आ रही हैं। तो हमारा जो वोल्टेज, इसमें एक बूस्ट आईसी लगता है जो एलएमबी को वोल्टेज सप्लाई करता है, उसके एक नंबर पिन पे 12.3 और दूसरे पे कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि मेन आईसी वर्क करेगा तभी वो वोल्टेज आगे बनेगी जब उसको सिग्नल मिलेगा। 3 नंबर पिन पे भी 12 वोल्ट जो फीडबैक आता है, और 4 नंबर जो बूस्ट का है वो 11.8, क्योंकि आईसी ऑन नहीं है तो बूस्ट भी नहीं करेगी। और 6, 7, 8 ये पिन हमारी मेन चिप से जुड़ी होती हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क कराती हैं। इस बूस्ट आईसी का नंबर 8035B होता है। तो जब मेन आईसी वर्क करेगा तभी सारा सिस्टम वर्क इसमें करेगा। अब बात कर लेते हैं जो वोल्टेज ड्रॉपिंग दिखा रहा था, यानी 1.8 जो हमारा 1117 रेगुलेटर आईसी है, ये वोल्टेज कम दिखा रहा था। तो ये हमारा MPG2 में भी यूज होता है, तो उसी से निकाल के हम इसमें लगाएंगे। ये 2028 का हमारे पास पुराना कार्ड है, तो इसी से ये 1117 निकाल के हम इसमें लगाएंगे।
वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होगा, कोई ना कोई जानकारी आपसे छूट जाएगी। वीडियो पे वैसे ही रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, लेकिन मैं जो अपना फ़र्ज समझता हूँ वो बिल्कुल पूरा कर रहा हूँ, और आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए सारी दिखा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल की स्किप ना करें। और जो भाई वीडियो पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर लें। SMD मशीन का हीट हमने थोड़ा कम किया हुआ है, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। तो ये खराब वाला रख दिया हमने यहाँ पे, और अब 20-28 कार्ड से निकाल के हम इसके अंदर लगा देंगे, और उसके बाद वोल्टेज भी चेक करेंगे। अब इस कार्ड को हटा देंगे और कार्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, 1.7 आ गई है, 1.8 हो गई है करीब करीब, और दूसरे पॉइंट पे 1.1 ही है। तो वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। अब एक बार इसे ऑन करके देखेंगे, तो पावर सप्लाई कर दिया मैंने ऑन, और एक बार फिर से वोल्टेज देख लेते हैं, 1.8 बिल्कुल ओके, और टीवी पे लोगो भी आ चुका है। तो सेट हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में ऑन हो गया। अब इसमें काम बचता है फ्री डिस्क की अनलॉकिंग का, तो चलिए वो कैसे होगा वो भी करते हैं, पहले वो ही करते हैं। इप्रोम को उतार लें, बड़े ध्यान से उतारें, कोई प्रिंट ख़राब ना हो, कोई सामान छूट ना जाए, कोई रेजिस्टेंस अगर एयर तेज से छूट सकती है तो इसलिए ध्यान उसका भी रखें। तो इसको लगाएंगे RT809 के बेस में, इस तरह बेस के अंदर इस इप्रोम को बिठा लें आराम से। और उसके बाद इस बेस को प्रोग्रामर में लगा लें। और अब दिखाऊंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसकी कॉपी करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रोग्रामर को ऑन कर लें, ये देखिए RT809 का इंटरफेस आ चुका है, यस कर दें। इंटरफेस आ चुका है, स्मार्ट आइडेंटिफाई करें तो IC का नंबर आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन मोड में जाके प्रोडक्शन मोड पे आएं और यहाँ पे वेरीफाई को डिलीट कर दें, और अब फाइल ओपन पे जाके इसको सॉफ्टवेयर जो इसमें करना है उसको इसमें लोड कर दें। फाइल लोड करने के बाद इसको स्टार्ट पे क्लिक कर दें, तो ये पहले इरेज होगा उसके बाद प्रोग्राम होगा, वेरीफाई की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और इरेज भी काफ़ी देर तक होता है, जब तक पूरी तरीके से इप्रोम इरेज नहीं होगी तब तक प्रोग्राम नहीं करेगा।
तो इसे इरेज होने देते हैं, प्रोग्राम होने देते हैं इसको। इरेज में थोड़ा टाइम लेता है। अब ये प्रोग्रामिंग इसकी शुरू हो चुकी है। सॉफ्टवेयर इसका बड़ा है थोड़ा, 16 MB का प्रोग्राम है, तो थोड़ा टाइम लेगा होने में, इसलिए थोड़ा वेट करें इसका। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल की स्किप ना करें। होने ही वाला है बस। सॉफ्टवेयर हो गया हमारा कॉपी। अब क्या करेंगे, इस तरह से इस बेस को ही निकाल लेते हैं और इसमें से इसी प्रोम को निकाल के इस सेटअप बॉक्स में लगा देंगे। डायरेक्शन का ध्यान रखें, उल्टी ना लगाएं, क्योंकि थोड़ी सी गलती कभी कभी ज़्यादा नुकसान दे जाती है। बड़े ध्यान से वर्क करने का टाइम होता है जब रिपेयरिंग में हम बैठते हैं, तो जरा सी चूक भी हमें नुकसान दे सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से काम करना होता है। आपको भी मेरी यही सलाह है कि ध्यान से वर्क करें। तो दोस्तों, SMD मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, तो उसी हिसाब से उसको रिपेयर किया, तो हीट मैंने कम रखी हुई है, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है इसको। बाकी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोम हमारा लग चुका है, अब इसका ड्राई सोल्डर करेंगे, जिससे कि बाद में कोई पिन छूट ना जाए और सेटअप बॉक्स में दोबारा फॉल्ट ना आ जाए। तो ड्राई सोल्डर इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है। अभी भी लग रहा है कि जैसे पिनें छुटी हुई हैं, तो दोबारा से सोल्डिंग करेंगे एक बार और, प्रॉपर सोल्डर हो जाएगा तभी इसको ऑन करेंगे। तो सोल्डर हो चुका है और पावर मैंने कर दिया ऑन, और TV पे लोगो भी आ चुका है। अब बस यूं समझ ले कि अब इसकी फाइनल टेस्टिंग है। तो लोडिंग का ऑप्शन भी आ चुका है, तो इसकी लोडिंग प्रक्रिया जो है उसे भी होने देते हैं, फिर देखेंगे कि हमारे चैनल इस पे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चैनल हमारे बिल्कुल चल चुके हैं, बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने इंडिपेंडेंट के सेटअप बॉक्स को अनलॉक कराना चाहते हैं, तो हमारे पास भेज सकते हैं, कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, और ये रिमोट इसमें वर्क करता है, अगर ओरिजिनल रिमोट आपका ख़राब हो गया है तो। दोस्तों, जब कोई भाई आपके पास इंडिपेंडेंट का या कोई और सेटअप बॉक्स, MPG2, MPG4 या जो किसी भी वैरायटी का हो सकता है, अगर आपके पास भेजता है, चाहे वो डेड कंडीशन में निकल जाए या उसमें कोई
और प्रॉब्लम निकल जाए तो वो रिपेयर करना आपकी अपनी जिम्मेवारी हो जाती है। और आपने भी देखा सेटअप बॉक्स जो इंडिपेंडेंट का हमारे पास आया डेड निकला, पहले उसको ऑन किया फिर उसको अनलॉक भी किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्कार।